बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बिलासपुर जिला के जामली में बिजली विभाग ने दुकानदार व स्थानीय लोगों को जनवरी महीने के शुरू में ही बिजली के बिल बांट दिए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दिसंबर महीने का बिल आया था, उसकी लास्ट डेट 25 से 27 दिसंबर थी, और अभी इसके साथ ही बिजली विभाग जो जनवरी महीने का बिल आना था, वह विभाग ने 13 जनवरी को ही लोगों को दोबारा थमा दिया है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। स्थानीय लोगों व दुकानदारों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का सवाल उठाते हुए कहा कि 16 दिन का बिल दोबारा से विभाग ने दे दिया है, जिसमें बिजली विभाग ने मीटर रेंट और सर्विस चार्ज पूरे एक महीने का लगाया है, जिसकी लापरवाही विभाग द्वारा की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले जो बिल आया था वे एक महीने का आया था, और अब जो बिल आ रहा है वो 16 दिन का आया है, जिसको लेकर लोगों में खासी चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली विभाग ने जो है गरीबों को बिना देखे ही बिल दे रहे हैं। दिसंबर में जो बिल दिए वो 25 तारीख को दिए और 27 तारीख उनकी पे डेट थी। अब जो है उन्होंने 12 तारीख को ही बिल दे दिए और जिनकी डेट जो है 25 है। अब जो बिल दिए वो रीडिंग के अनुसार ठीक है, परंतु उनमें मीटर रेंट और सरचार्ज जो है पूरे महीने का लगा दिया है, जिसमें जो है गरीबों को कम से कम 25-30 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये बिल दे रहे हैं, गरीब परिवार के जो लोग हैं वो बिल देने में असमर्थ हैं, क्योंकि मीटर रेंट और सरचार्ज जो है अधिक पड़ रहा है। संजय कुमार, जामली में किराएदार हूँ, और बिजली विभाग ने हमें 16 दिन का बिल जो है थमा दिया है। जो हमें पहले जो था एक महीने का बिल कंटिन्यू आ, पहले बिल पिछले महीने का बिल आया था, वो 25 और 27 तारीख लास्ट डेट थी, और जो अब आया है वो 19 और 21 के बीच में तारीख दी हुई है। ऐसे ही बिजली विभाग ने हमें ये 16 दिन का बिल थमा दिया है, जो हम देने में असमर्थ हैं। विभाग से प्रार्थना है कि बिल जो हमें दिए जाते हैं पर जो है बिल दिए जाने चाहिए।